आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 14 से 25। एलिशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इसराइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इसराइल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इसराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलिशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलिशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलिशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इसराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह तीन बार मार कर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। यहोआहाज के जीवन भर आराम का राजा हजाएल इसराइल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने अब्राहम इसहाक और याकूब से बांधी थी उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नष्ट किया और न अपने सामने से निकाल दिया। तब आराम का राजा हजाएल मर गया और उसका पुत्र बेन हदद उसके स्थान पर राजा बन गया। तब यहोआहाज के पुत्र यहोआश ने हजाएल के पुत्र बेन हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। यहोआश ने उसको 3 बार जीत कर इसराइल के नगर फिर ले लिए।